अल क्लासिको ऑफ आईपीएल। जी हाँ, हम बात करें मुंबई इंडियंस वर्सेस सीएसके के बारे में। तो स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो मुंबई इंडियंस खेलेंगे अपना मैच चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ। जी हाँ, वानखेड़े स्टेडियम में हो गए मैच। तो कल हम लोग वानखेड़े स्टेडियम में देख सकते ना केवल सी ऑफ ब्लू बल्कि ऑल येलो अलोंग विद द ब्लू, मुंबई इंडियंस सीएसके। हमेशा ये मैचेस होते हैं तो एक थ्रिलर, एक अल क्लासिको का रूप लेते हैं, क्योंकि ये केवल मैच नहीं होती है, इसमें इमोशंस होते हैं, इसमें हीरोज खेलते हैं और हीरोज एक जनरेट होते हैं इस मैचेस से। रोहित शर्मा, महेंद्र सिंह धोनी, जडेजा, ऋतुराज गायकवाड़, बुमराह एंड मेनी अदर्स। हमने बहुत सारे अल क्लासिको मैचेस देखे हैं इन दोनों टीम्स के बीच। हमें याद है 2013 की वो मैच, 2015 की मैच, 2018, 19, 21, 2019 का फाइनल तो कोई भूल नहीं सकता। तो इसी दो टीम के बीच में और एक मैच हो रहा है मुंबई में, वानखेड़े स्टेडियम में, मुंबई इंडियंस वर्सेस सीएसके। मुंबई इंडियंस की अगर बात करें तो 5 में से 2 मैच, लेकिन वो 2 मैच इतने डोमिनेटिंग जीते हैं मुंबई इंडियंस कि हर टीम को ऐसा लग रहा है कि क्या ये टीम इतनी तगड़ी है कि अभी ये हमको प्लेऑफ में भी खेल सकते हैं। जी हाँ, रोहित शर्मा, ईशान किशन, तिलक वर्मा, सूर्य कुमार यादव, टीम डेविड, रोमारियो शेफर्ड, हार्दिक पांड्या, सब ने रन्स बनाए हैं, सारे लोग इन फॉर्म हैं और सब लोग स्ट्राइक कर रहे हैं 150 के ऊपर। बॉलिंग की अगर हम बात करें तो जेराल्ड कोडसे फॉर्म में है, अच्छे उन्होंने वो रन्स के लिए लीक हुए हैं लेकिन उन्होंने बॉलिंग बहुत अच्छी डाली है जो कि वानखेड़े स्टेडियम में जैसे रिक्वायरमेंट है वैसी। जसप्रीत बुमराह, आप कोई भी मैच उठा लो, कोई भी अपोजिशन उठा लो, जसप्रीत बुमराह विल बी देयर एज अ मैच विनर। लास्ट मैच में भी 5 विकेट हॉल, विकेट 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 विकेट। जो बॉलिंग जसप्रीत बुमराह कर रहे हैं अभी, आई गेस जैसे बहुत सारे एक्सपर्ट ने बोला है, दिस इज लाइक मोर देन अ सेंचुरी इन अ मैच प्लेड इन T20। वो भी जबरदस्त फॉर्म में है। पीयूष चावला का थोड़ा सा कंसर्न रहेगा मुंबई इंडियंस को, या फिर उनकी जगह मोस्टली हो सकता है कि श्रेयस गोपाल भी कल मुंबई इंडियंस के टीम में देखे आपको। आकाश मधवाल इज बॉलिंग वेरी नाइसली, कुछ रनों के लिए वो गए थे कुछ ओवर्स में, लेकिन आकाश मधवाल इज अ गुड बैट क्योंकि उनकी जो बॉल आती है वो स्किड कर जाती है और विकेट टेकिंग डिलीवरीज उनके पास है। हार्दिक पांड्या ने भी कुछ ओवर्स डाले विच वुड हेल्प मुंबई इंडियंस ऑल्सो। तो लास्ट मैच में भी मुंबई इंडियंस की बॉलिंग अच्छी रही थी, गिवन दैट मुंबई इंडियंस वानखेड़े स्टेडियम में खेल रहे थे। वानखेड़े स्टेडियम का पिच ऐसा है कि आपको हाई स्कोरिंग ग्राउंड है ये, तो 196 वॉज अ चेजेबल टारगेट। लेकिन उनको और बुमराह को अदर एंड से भी मदद लगेगी इन टर्म्स ऑफ विकेट, ना केवल रन बचाना लेकिन विकेट लेना, क्योंकि अपोजिशन में आपके पास ऐसे प्लेयर्स हैं जो टिक गए तो हिट है। चेन्नई सुपर किंग्स की अगर हम बात करें तो ऋतुराज गायकवाड़ ने अच्छे खासे रन बनाए, डैरल मिचेल ने थोड़े रन बनाए थे, रचिन रविंद्र ने पहले कुछ मैचेस में रन बनाए लेकिन उसके बाद उनकी फॉर्म इतनी कंसिस्टेंट नहीं है। सिमिलर केसेस विद अजिंक्य रहाणे, जो स्ट्राइक रेट से वो खेल रहे हैं, आई गेस दैट वोंट बी इनफ ऑन वानखेड़े। लेकिन अजिंक्य रहाणे मुंबई के रणजी टीम के कैप्टन है, उनको पता है वानखेड़े के स्टेडियम कैसा है, वेदर कैसा है। सिमिलर इज द केस विद शार्दुल ठाकुर, शार्दुल ठाकुर भी कल 11 में खेल सकते हैं और शायद से वो एक बहुत बड़ा फैक्टर हो सकता है इन टर्म्स ऑफ जो बैलेंस है सीएसके का वो मेंटेन करने के लिए। धोनी ने अच्छे स्कोर किए हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा सीएसके के लिए कि धोनी ऊपर खेले, क्योंकि ये छोटा ग्राउंड है। हाँ, धोनी को पता है इस ग्राउंड के डायमेंशंस और हाई स्कोरिंग ग्राउंड की वजह से उनको उस तरह का प्लेयर की जरूरत होगी कल जो हाई हिटिंग और हाई स्कोरिंग करें। रविंद्र जडेजा भी बहुत अच्छे फॉर्म में है, उनकी बॉलिंग बहुत अच्छी फॉर्म में है। मुस्तफिजूर, रविंद्र जडेजा ने बहुत अच्छी बॉलिंग डाली है, तुषार देशपांडे ने बहुत अच्छी बॉलिंग डाली है। उनका अगर कंसर्न होगा तो
वो होगा तिक्षाना और पथिराना जो उनके इंजर्ड थे, ये उनका एक कंसर्न होगा थोड़ा सा। सेकेंड एक कंसर्न, सबसे इंपॉर्टेंट कंसर्न सीएसके के लिए होगा कि अगर 185 टू 195 अगर स्कोर हो जाता है तो सीएसके वुड बी ऑन अ पॉजिटिव साइड कि हाँ हम लोग ये चेस कर पाते, लेकिन जैसे ही 200 के ऊपर के स्कोर चले जाएंगे तो उनका सबसे बड़ा जो ट्रम्प कार्ड है शिवम दुबे, उनको थोड़ी हेल्प लगेंगी और एक ट्रम्प कार्ड की, जो कि मेरे हिसाब से है समीर रिजवी। या समीर रिजवी का कल 11 में खेलना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर सीएसके को हाई स्कोर करना है इन द फर्स्ट इनिंग या फिर सेकेंड इनिंग में बड़ा स्कोर चेस करना है, क्योंकि हमने देखा है कि ऋतुराज एक स्लो स्टार्ट लेते हैं और पेस करते हैं अपना इनिंग। सिमिलरली डैरल मिचेल का केस है कि वो स्लो स्टार्टर है और बाद में अपना पेस बढ़ाते हैं, तो अगर उनको उस प्लेइंग 11 में बैलेंस ऐसा बनाना है कि मिडिल ऑर्डर में हाई हिटिंग बैट्समैन चाहिए होगा, तो समीर रिजवी का खेलना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये अल क्लासिको सभी लोग हम लोग वेट कर रहे हैं बहुत दिनों से, मुंबई इंडियंस वर्सेस सीएसके के मैच का। और ये अल क्लासिको कोई भी फुटबॉल के जो अल क्लासिको होते हैं, बार्सिलोना वर्सेस रियल मैड्रिड, इससे कम नहीं है, क्योंकि द नंबर ऑफ ऑडियंस जो इस मैच की तरफ अट्रैक्टेड है या फिर जो इससे स्टेक होल्डर सारे अटैच्ड है, वो एक बहुत बड़ा पूल है। आपको क्या लगता है कि इस अल क्लासिको का विनर कौन होगा? जरूर हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।